वेलकम बैक जी, मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ पिछले 1 घंटे से डॉक्टर इशफाक अहमद मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, वस्टशा से उनका तल्लक है, हॉस्पिटल में काम करते हैं। बात हो रही है दिल जलने के हवाले से, गैस के हवाले से, बदहजमी के हवाले से, इलाज के हवाले से, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कुछ एहतियात कि हमें क्या करने चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत से बहन भाई कॉल भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। गैस, आपने कहा कि बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर, कि हमें अक्सर ये गैस की शिकायत होती है। तो ज़रा बताइए कि गैस, एक तो डकार और फिर गैस का खारिज होना, हवा का खारिज होना, ये दोनों अमल हैं, और ये क्यों, इसकी वजह क्या है? क्या खुराक हमारा सबसे बड़ा इशू है इसमें, या आई थिंक इसमें हम अगर पहले आप डकार का मसला डकार? अच्छा, डकार पहले को ले डिस्कस रहे कर लें तो उसमें ये होता है कि आजकल च्युइंगम वगैरह कुछ लोग बहुत खाते हैं, अच्छा रेगुलरली च्युइंगम खाते रहते ठीक हैं। तो च्युइंगम खाने के साथ साथ वो जो होता है, आपको जो एयर जो है वो भी उसको आप सॉलो करेंगे, तो उस वो जो एयर जो है, हवा जो है, वो जब मैदे में जाएगी तो उसने वापस तो निकलना है, तो उनको डकार वगैरह बहुत ज़्यादा आएंगे चिंगम खाने से चिंगम डकार खाने से। तो ये अगर कोई हजरात चिंगम वगैरह खाते हैं वो बंद कर दें, उससे डकार जो है वो ठीक हो सकते ठीक हो हैं। जाएंगे? बिल्कुल ठीक अच्छा, है। दूसरा ये है कि जो आप अपना खाना खाते हैं तसल्ली से बैठ के खाएं, तो आजकल ये होता है कि आप सैंडविच भी खा रहे हैं, चल भी रहे हैं, टेक्स भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ उसके साथ आप जल्दी में आप खाना खाएंगे तो उसके साथ आपको हवा जो है वो भी जाएगी मैदे में। तो एहतियात से बैठ के तसल्ली के बिल्कुल साथ वो खाना वगैरह वो खाएँ। तो उसमें से कुछ और ग़ज़ाएँ भी हैं जो स्मोकिंग फिर यहाँ पे आएगी, कि जो वाल्व को रिलैक्स स्मोकिंग करेगी, को आप घुमा फिरा के घुमा ले आते फिरा के हैं हमेशा ले आते हैं। तो फिर उसमें कुछ वो जो चॉकलेट्स हैं, फैटी फूड हैं और मिंट्स हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बदहजमी हो गई है, मैं मिंट्स ले लूँ और मिंट की टी ले लूँ, तो मिंट जो है वो उससे फिर आपको डकार फिर और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि तो ये ये जो डकार बेहतर है आपके लिए? क्योंकि अक्सर हम समझते हैं डकार आने से जरा बदहजमी या बदहस नहीं, डकार तो ये कुछ सीरियस इलनेस नहीं है, ये अच्छा, सीरियस डकार को भी आप बीमारी समझ रहे हैं? ये एक किस्म की बीमारी कह ये लें। ये इसमें कंडीशन। कुछ मरीजों को एनजाइटी भी होती है, हाँ एनजाइटी की वजह से भी काफ़ी डकार आते हैं। अगर उनकी एनजाइटी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो उनके डकार भी ठीक होते हैं। डकारों की ये जो बीमारी है, ये बीमारी सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं, ठीक है, वो थोड़ी सी न्यूसेंस होती है कि मैं अगर आपके पास बैठा हूँ, आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं हमारी कम्युनिटी में तो ये है कि जब कुछ लोग, तो हमारे कल्चर भी ऐसा है कि जब तक बड़े बड़े डकार ना आ जाएं, हम समझते हैं कि हमारा खाना सही तरह से हजम नहीं हुआ। नहीं, क्या ये बात दुरुस्त है? वो गलत बात है, ये गलत बात है? ये गलत बात है, वो बात ठीक नहीं है। डकार एक दो ओकेजनली आ जाए तो ठीक है, ये नहीं कि ये बात नहीं है कि आपने खाना खाया है उसके बाद आपको डकार नहीं आएगा तो आपका खाना हजम नहीं होगा, ये बात गलत है। डकार तो सिर्फ आता है कि जो जो हवा आपने खुराक के साथ खाई है उसको निकलना है ऊपर की तरफ। या आपने ज्यादा खाने से भी डकार आते हैं? ज्यादा खाना खाने से आपने ज़्यादा खाना खाएंगे तो उसके साथ फिर ज़्यादा हवा भी साथ जाएगी, तो उसके जी साथ वो डकार वगैरह भी ठीक। आएंगे। तो आपने वो दूसरा जो इश्यू है, जो हवा खारिज होने का, वो भी काफ़ी कॉमन मसला है, हर एक को है। तो उसमें ये है कि अगेन ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है, वो तकरीबन 500 मिलीलीटर से लेके 1.5 लीटर तक हवा खारिज होती है हर बंदे में, ये वो कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ है। चलें इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसके वापस आएंगे। फ्रांस में हमारे एक सिस्टर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी वालेकुम सलाम। आपकी टॉपिक आज बहुत अच्छी है जी, मुझे बहुत खुशी मिली कि जी, जज़ाकअल्लाह। मुझे बहुत गैस की प्रॉब्लम है। अच्छा, गैस का प्रॉब्लम? ये गैस का प्रॉब्लम जी मेरे ख्याल में हर किसी को है। जी जी खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव नहीं होते, वो ऊपर है ना डकार मारते हैं सुबह, यानी रात को खाना खाते हैं सुबह भी उसकी डकार आते हैं। सुबह वो तक गैस डकार की आ जाए। दवा पीती है तो भी इस तरह होते हैं, और डाइजेशन की गोली पीते तो भी नहीं खाना डाइजेशन होते है। और दूसरी बात है कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाते हैं, तो उसके लिए दवा लेती हूँ। मेरी जीपी को बताया तो अभी बीच में उसने बोला कि यानी कलेजे के ऊपर में है ना आपको चिकास हो गया, कलेजा थोड़ा फूल गया है, तो उसके लिए है ना उन लोग ने बोला डाइट करना, चिकास नहीं खाना, तो मैंने बंद कर दिया। तो आप प्लीज़ मुझे इसका कोई तरीका नुस्खा बताए तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने फ्रांस से फ़ोन किया। इंशाल्लाह जी प्रोग्राम देखते रहेगा, इसमें जो आप शामिल करेंगे। तो इससे पहले कि बहन का जवाब दें, खट्टे डकार, ये खट्टे डकार भी आते हैं कभी कभी, ये भी
नहीं नहीं खट्टे डकार जो मैदे में जो एसिड होता है ना, उसकी तेजाबियत वजह होती से। है, तेजाबियत तो कॉमन चीज़ है मैदे में, तो उसकी जो फिर वो जब गैस जो तेजाब के साथ मिलती है तो उससे थोड़ा सा उसका जो कंपोजिशन या उसको कहते हैं खट्टे डकार फ्लेवरिंग हो जाती है, फ्लेवरिंग हो तो वो जाती है, खट्टे डकार आने शुरू होते ठीक हैं, तो है, वो एक नॉर्मल चीज़ वो नॉर्मल चीज़ है। है। अच्छा, बहन ने जो बात की है उसके हवाले से क्या आप कहेंगे? जो बहन ने एक तो गैस और डकार का हवाले से बात की और फिर तो वो मैं पूरी कंस्टिपेशन तरह पे, उनके क्वेश्चन को समझ नहीं सका कि कंस्टिपेशन पे भी उन्होंने मैम बात की कॉन्स्टिपेशन थी। पे जो मसला उन्होंने कहा था, तो कॉन्स्टिपेशन में तो ये है कि हमने हमें चाहिए कि हम हाई फाइबर डाइट जो है वो खाएं, तो उसमें एक जो तो सिंपल सिंपल सी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन में, आप जो घर में जो चपाती के लिए आटा यूज़ करते हैं, अगर आप मीडियम यूज़ करते हैं तो उसको हाई फाइबर शुरू कर दें, ठीक है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन को फ़ायदा हो सकता है। तो फिर इसकी कुछ और नेचुरल रेमेडीज़ भी हैं, और ये फिग्स वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल फ्रूट है, वो एक दो आप अगर वो खा लें तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी बेहतर होती है। तो बहन को ये थोड़ा सा मशवरा है कि जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जब आप हाई फाइबर डाइट खाएंगी तो उससे फिर हवा की तकलीफ़ ज़्यादा होगी, ठीक, ये आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। लंदन चलते हैं, लंदन में हमारे एक सिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जी बहन, मेरा सवाल है ये, आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मुझे मेरे मैदे में गैस हो जाती है, जैसे 100 जैसा पड़ जाता है, इतना ज्यादा शाम टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि बस वो मैं गैवस्कोन टेबलेट लेती हूँ, गैवस्कोन मेडिसिन लेती हूँ तो उससे फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता, मगर शाम टाइम इतना ज्यादा होता है जैसे कि बिल्कुल ही अंदर सोत सा मालूम होता है, ऐसे में ये मैदे की जगह ज्यादा है, तो उसकी क्या वजह है और उसका ठीक होने का क्या तरीका है आपके पास? जी बहन, अपनी उम्र, आपकी उम्र क्या है? 50 जी। 50 नहीं 50 और इसके अलावा कोई डायबिटीज या कोई बीमारी ये तो नहीं मुझे है? प्रॉब्लम कोई 10 साल से है, 10 साल से, 10 साल से ये गैस का हाँ प्रॉब्लम दस है। साल से ये प्रॉब्लम है। ठीक तो है, मोहतरमा, आपने आपकी कोई एग्जामिनेशन एंडोस्कोपी वगैरह हो चुकी है कि नहीं? जी वो कैमरा डाला था तो कैमरा उसमें डाला? वो थायराइड नहीं होता, वो बोलते थे कि थायराइड है, नहीं, कैमरा तो मैदे का होगा ना जी? जी मैदे के लिए डाला था, मगर बोलते थे कि मेरा वो ब्लड टेस्ट में भी थायराइड आया था, अच्छा अच्छा जो उसकी थायराइड। गोलियां वो देते हैं तो वो लेती हूँ शाम टाइम, मगर ये हर वक्त प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा ठीक हो जाती है फिर वापस ये प्रॉब्लम आती है, और जब होती है ना तो बहुत ज्यादा सोच सा पड़ा होता है, इतना बोझ और अपसेट फील करती हूँ। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहेगा इंशाल्लाह, बहुत से की मैसेजेस है प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब बताएंगे, और जी हाँ कुछ कुछ मशवरा देंगे हमारी बहन को। हाँ नहीं, इनके लिए तो ये है कि अगर गैवेस्कॉन से इनके थोड़े से सिम्टम्स बेहतर होते हैं तो एक डिफरेंट काइंड का एंटासिड होता है जिसमें बबल ब्रेकर कहते हैं ऑर्डनरी लैंग्वेज में, साइमेथिकॉन बेस गैवेस्कॉन साइमेथिकॉन बेस होता है एंटासिड, अच्छा तो वो अगर यूज़ कर लें तो उससे भी गैस की कुछ शिकायत जो वो कम होती है। तो अगर ये आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है मैदे की जो है ना वो लेना शुरू कर दें, तो जीपी के साथ आप मशवरा करके वो ले बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त दिल की जलन पे बात हो रही है, वैसे मेरे ख्याल प्रोग्राम का टाइटल गैस समय रखना चाहिए था, बहुत सी गैस के हवाले से सवाल आ रहे हैं अच्छा और गैस बहुत बड़ी इश्यू है मेरे ख्याल में, इस पर शायद हम सारे सवालों के जवाब ना दे सके, थोड़ा सा वक्त है, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, एक दो सवाल हम ले लेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब हमें एक बार फिर कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे और इलाज के हवाले से कुछ की मैसेजेस आप तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक और बात है, ख़ास तौर पर हमारे मुश्ताक भाई हैं, उन्होंने दूध का जिक्र किया था, और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए जब दिल की जलन हो, तो दूध, क्या दूध वाकई मुफीद है हमारे लिए, ठीक है? हमारी पूरी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब आपको जलन हो तो दूध पिए तो उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप इसको रूल आउट कर रहे हैं? मैं इसको टोटली रूल आउट करता हूँ। इमीडिएटली आप कोई भी ठंडी चीज़ पियेंगे, ठंडा अच्छा, पानी पी तो लें, उससे कुछ स्क्वाश पी लें, उससे आपको कुछ इमीडिएट रिलीफ होगी। ठीक तो दूध पीने से ये है कि दूध इमीडिएटली तो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, लेकिन जब दूध जाके मैदे में जाएगा तो उसने ज़्यादा जाके वहाँ पे तेजाबियत प्रोड्यूस करनी है, तो वो एक्ट थोड़ा
थोड़ी देर बाद आपके वो जो सिम्टम्स हैं वो जलन के वो ज़्यादा सवियर हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको रिलीफ हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप दूध का इस्तेमाल हार्ट बर्न के लिए यूज़ ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एंटासिड आपको मिलते हैं, ये गैविस्कॉन वगैरह आप वहाँ ओवर द काउंटर भी आप मिल सकते हैं, मिल सकता है, तो उसको यूज़ करें, तो दूध का इस्तेमाल ना करें। जी, एक नई बात आपको सुनने को मिल रही है जी, डॉक्टर साहब आज हमारी सारी जो आदतें बदल देंगे। आइए चलते हैं, वोलसोल प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रवीण बहन। जी हाँ, वालेकुम सलाम जी। जी हाँ ब्रदर, मुझे पूछना था आपसे कि डॉक्टर साहब जी के मेरा ब्रदर है पाकिस्तान में है नहीं, उसको उनको बहुत हिचकी बहुत है, प्रॉब्लम है हिचकी की। हिचकी, हिचकियाँ लगना जो उनको, उनकी उम्र होगी 50 साल की है जी। हाँ हिचकी लगती है ना, तो महीने महीने जाती नहीं है जैसे। नहीं तो ठीक है, और कोई उनको बीमारी है या सिर्फ ये? जी और कोई बीमारी है आपके भाई को? नहीं खास और कोई बीमारी नहीं है, एक है कि उनको बुखार जरा नहीं वो बहुत रहता है, उल्टे हिचकी लगती है, उसके साथ उल्टी आती है। ठीक है, ठीक है जी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वोलसोल से फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ, ये भी इसका लिंक है कोई हार्ट बर्न या गैस या? हिचकियाँ और हिकअप्स जो है, ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़े से कनेक्टेड भी हैं। अच्छा। लेकिन हिचकियों में और हिकअप्स में कुछ आपकी इरिटेशन होती है, ये जो मसल है डायफ्राम का उसकी कोई इरिटेशन होती है। अच्छा। और एसिड का भी मसला हो सकता है, तो उसमें सिंपली तो पहले अगर वो पाकिस्तान में है तो पहले उनको चाहिए कोई एक स्टमक बग होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई उसको कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्टमक बग का सिंपल सा टेस्ट होता है कि वो चेक कर लें कि अगर उनको इन्फेक्शन है कि नहीं, तो उसका सिर्फ एक हफ्ते का इलाज है, दो एंटीबायोटिक्स होती हैं और उसके साथ एक फेली स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग ड्रग देते हैं, तो वो मुकम्मल उसका इलाज एक हफ्ते में हो जाता है। तो पहला तो ये अगर वो कोशिश करें, तो उसके बाद दूसरा ये मशवरा उनको होगा कि अपना वो अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन का करवा के देखें को कहीं जिगर के करीब या मैदे के करीब कहीं कोई और मसला ना हो जिसकी वजह से इरिटेशन होती हो, उनको हिचकियाँ वगैरह हो। बिल्कुल। हमारे एक सिस्टर हैं जी ड्यूजबरी से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। थानू सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी बहन, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब ना गल करनी है, मैं काफ़ी अरसा हो गया, 35 साल हो गए ने मैं ऑपरेशन कराया था पाकिस्तान से। केड़ा ऑपरेशन, किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया जी? 35 साल मैं हो गए ने बहन, मतलब ऑपरेशन आपका टीवी की आवाज अगर कम कर दें। अच्छा करनी है तो पूछना अच्छा। चाहते हैं कि ऑपरेशन किस चीज का? मैं दसन लई हां डॉक्टर साहब, ऑपरेशन मैं कराया सी, बच्चे मेरे आंदी प्रॉब्लम सी, ते इस गल वास्ते मेरा उन ऑपरेशन कीता सी, तो ओदे नाल उल्टियां लगियां सन, मेरा टांका टूट गया सी, कोई हरनियां हो गईयां सन। हरनियां हो गईयां जी? 35 साल हो गए ने इस गल नूं, पाकिस्तान सौंसले में। अच्छा अच्छा। ते इत्थे आया मैनूं 30 साल हो गए ने, 28 साल जी जी। ते फिर मेरा इत्थे पिते दा ऑपरेशन होया सी, पिता उन्हां निकाल दित्ते है तकलीफ नहीं, जो ठेस पी जरा सारा तकलीफ होंगी किसी वक्त, डॉक्टर फिर ऑपरेशन कराओ, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराया। हूं ऑपरेशन वास्ते डॉक्टर मेरा जरा सी किन्नी बार मैं दस तुम तकलीफ है, मैंने डकारा की गल सुनी है ना, डकार मैंने इतने इतने लंबे आते ने, एक एक स्किंट का डकार होंगे, तो 10-10 डकार कट्ठे आते जिस महिला से, कदी कदी इं हो जाता, कदी कदी ठीक होनी है, तो मेरा जरा जो जहाँ गोलिया जरा बने है वो काफ़ी व्डा हो गया थोड़ा जहा, तो उन्होंने दसिया 70-10% जरा होल है ना वो है मेरा कीता सन स्कीन, कोई 1-2 साल हो गए ने जी। ते मैं ये आनी हाँ हूँ, मैंने अज भी मैं तकलीफ हुई है, पहला मैंने दिता सी लोजोपरोन जो कैप्सूल मैं कभी नहीं खाधी, मैं क्योंकि मैं तकलीफ अगे भी थराटस की तो ज्यादा हो जाती सी, थोड़ा जहा असी आप थोड़ा समझ के दवाई खाने कोई ऐसी गल नहीं, तो डॉक्टर मैंने किन्नी बार ऑपरेशन कराने करा लिया, मैं सही गल बड़ा तंग आ गई, ऑपरेशन मैं 2 कराए ने, सारा पेट एक किस्म का चिर गई है,
ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਪੈਰ ਕਿ ਡਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਚ ਫੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਇਤਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਡਾ ਖੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਬਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸ਼ਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਸ ਡਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਗੈਵਸਕੋਨ ਮੈਂ ਪੀਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 1 week ਆਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਤਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਸੇ ਬਤਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਹਰਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਤੋ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਸੇ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਡਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਤੇ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਉਨਕੋ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਇੱਕ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੋ ਕਿਆ ਆਪ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਂਗੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਇਤਿਆਦ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬੈਨ ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਸੇ ਕਮ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀ ਕੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਦੀ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਰਾਤ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਸੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਸੇ ਸੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਹਰਨੀਆ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਇਨਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਟ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਹਰਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਮੇ ਉਹ ਬਲਜ ਸੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਿੰਪਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਤਾ ਉਸਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਕਾ ਵੀ ਇਨਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਆ ਥਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਆ ਥਾ ਤੋ ਕਹ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ तो उसमें वो आसान है बहुत आसान है उसमें ना वो आपको स्कारिंग का पता भी नहीं चलता कि आपका और ऑपरेशन हुआ है तो अगर तो आपके डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं ऑपरेशन करवाने का तो उनसे बस ये पूछें कि मैं ये की होल सर्जरी करवाना चाहती हूँ तो आप अगर थोड़ा सा ट्रैवल भी कर लें 20-25 मील दूर कोई ना कोई सेंटर होगा आपके घर के करीब तो की होल सर्जरी है वो बेहतर है जी बैन ऐ याद रखना की होल सर्जरी की होल सर्जरी ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲੋਂ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਾਤੇਂ ਵੀ ਹਮਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਤਿਆਦ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਆ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਂਗੇ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਕਮ ਖਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਾਏ ਉਹ ਕਿਆ ਖਾਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੈਸ ਕਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੈਸ ਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਅਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੈਸ ਪੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਸੇ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਜਿਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਤੋ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਮੇਰੀ ਉਨਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸਮੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਹਮੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਮੇ ਜੋ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟਰਾਈਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ہمیں ہمارے جسم کی جو صلاحیت ہے دودھ اور دودھ کی چیزوں کو جذب کرنے کی وہ کم ہوتی ہے تو اس کے جو جنہیں ہوا کی تکلیف اور گیس کی تکلیف ہوتی ہے وہ دودھ بھی پھر زیادہ پیتے ہیں تو انہیں گیس کی تکلیف اور زیادہ ہوگی تو ان کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ وہ سمپلی 2 ہفتے کو دودھ کی چیزیں سب بند کر دیں سویا ملک یوز کر لیں اچھا اس سے گیس کی تکلیف جو ہے ان کی بہت بہتر ہو جائے گی تو پھر یا تو پھر آپ کنٹینیوسلی سویا ملک یوز کریں یا پھر جو دودھ کی چیزیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں تو دوسرا اس میں گیس کے بارے میں ایک اور تھوڑا سا مشورہ ہے ناظرین کو کہ آج کل جو ہر چیز میں یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے ساربیٹول جس کو کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا معدے میں اور چھوٹی آنتڑی میں تو یہ اس کی فرمنٹیشن ہوتی ہے اور اس سے کافی گیس پروڈیوس ہوتی ہے
तो जिन हजरात को गैस का मसला है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है खाना बिल्कुल बंद कर दें। आजकल बहुत ही शरबत में, गैस कोलेज में, हर चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर आ रहा है, तो जिनको गैस की शिकायत है कि वो प्लीज़ उसका इस्तेमाल बंद कर दें। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये मुश्किल होगा क्योंकि तो वो तो खाते ही ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उनके लिए भी उनके लिए मुश्किल। अच्छा, प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त है, एहतियात के हवाले से थोड़ा सा हमें मशवरा दें कि हमारे बहन भाई को क्या कोई फ्रूट है जो रिकमेंड करेंगे कि वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे हाजमे के लिए या हमारे हार्ट बर्न के लिए कि कोई फ्रूट भी बेहतर? फ्रूट का माशाल्लाह जी, मेरी तो फैमिली का पाकिस्तान में फ्रूट का बिजनेस ठीक है तो मुझे तो यहाँ पर कुछ ताज़ा फ्रूट नहीं मिलता। तो फ्रूट में जो एहतियात है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं तो वो मैदे खट्टे फ्रूट जो हैं वो मैदे के लिए ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो ऑरेंजेस लेमन्स वगैरह उनसे एहतियात की जाए, बाकी फ्रूट जो वो ठीक है। तो उधर कुछ वेजिटेबल्स में भी आपके जो कैबेज है, ब्रसल्स स्प्राउट है, ब्रोकली है, लेंटल्स है, तो ये चीज़ें जो हैं ये गैस बहुत प्रोड्यूस करती हैं। चने की दाल, चने सारी दालें जो हैं सारी दालें कैबेज, ब्रोकली और ब्रसल्स स्प्राउट्स हैं, तो बाकी फ्रूट जो हैं वो सेहतमंद हैं, वो आप खा सकते हैं जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे बहन भाइयों को आज के प्रोग्राम के हवाले से? मेरा एक तो यही मशवरा है कि हमने पहले प्रोग्राम के शुरू में डिस्कस किया था कि अगर किसी को ये अलार्मिंग सिम्टम्स होते हों, तो अलार्मिंग सिम्टम्स मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर तो आप खाना खा रहे हैं और ख़ुराक जो है अटक रही है खुराक की नाली में, तो आप इमीडिएटली अपने जीपी के साथ कांटेक्ट करें। तो इसके लिए कोई टोटका वगैरह इस्तेमाल ना करें, कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन है वो यूज़ ना करें। फिर अगर आपको कुछ वॉमिटिंग हो रही है ब्लड की, या आपको काले पखाने, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, वो भी ब्लीडिंग की एक अलामत है, तो वो भी इमीडिएटली आप इवन इमरजेंसी डॉक्टर के साथ उसके साथ कांटेक्ट करें। तो एक दो और सिम्टम्स है कि अब्डोमिनल, आपके पेट में अगर आपको कोई मैस फील हो रहा है या फिर किसी को यरकान हो गए हैं, तो ये जो अलामत हैं तो इनको प्लीज़ इनके ऊपर ना बैठें, तो अपने डॉक्टर के साथ इमीडिएटली मशवरा करें, तो विद इन 2 वीक्स आपके डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में आपको रेफ़र कर देंगे, इसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होगी। तो मेरा आखिरी पैगाम हमारे भाइयों के लिए होगा कि आप प्लीज़ स्मोकिंग जो है ये छोड़ दें, और स्मोकिंग की ये बात आपने की है वो छोड़ दें, और इलाज भी आपने जो इलाज बताया कि कुछ घरेलू टोटके भी हैं कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे अहम बात है कि ख़ास तौर पर आपने जो कहा है कि कुछ ख़तरनाक अलामत हैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए कि कौन कौन से अलामत जो हैं उसमें। अगर फूड अटक कर रही है, ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं, एब्डोमिनल आपको कोई मैस फील हो रहा है, या फिर आपको यरकान है, आंखें थोड़ी सी पीली हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ये तो आज का प्रोग्राम था, लेकिन एक बात मैंने आपसे करनी बाकी थी, क्योंकि आपने बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन से आपका तल्लक है, APPS UK का आपने जिक्र किया, उसके आप मेंबर हैं, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की उलमिनाए के आप उसके लिए भी एग्जैक्टिव हैं उसके, और एक चीज़ हमने जिक्र नहीं किया, हाशिम वेलफेयर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये जो हाशिम वेलफेयर ट्रस्ट है ये पाकिस्तान में कहाँ पर ये हॉस्पिटल है इनका? ये जी, मैं इस साल गया था पाकिस्तान में, तो मैं स्पेशली ये हॉस्पिटल विज़िट किया था, ये खारियाँ के करीब, खारियाँ से तकरीबन 10-12 मील एक बहुत ही छोटा सा विलेज है, तो वहाँ पे इन्होंने हमारे कॉलीग्स ही हैं डॉक्टर अदरी सवान, यहाँ पे कंसल्टेंट हैं सरे में, तो ये उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो वहाँ पे बहुत ही उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया की हुई हैं, तो सारी जो यानी कि बेसिक ऑपरेशंस हैं, एक्सरेज हैं और अद्वियात वगैरह हैं, वो इंतहाई कम कीमत के ऊपर वो मरीज़ों को वहाँ पे मुहैया करते हैं, तो माशाल्लाह इनका बहुत ही अच्छा ये हॉस्पिटल है, और हमारे जो जितने भी कॉलीग हैं UK में वो सारे इनको सपोर्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला इनके काम में और बरकत डाले, आमीन सुब आमीन। और डॉक्टर इशफाक आमन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज दिल की जलन के हवाले से बात की। ये वो जलन थी जो मैदे से शुरू होती है, ये वो दिल की जलन नहीं जो अक्सर
जलन होती है, किसी को खुश देखते हुए, किसी को अच्छा देखते हुए, और आप जैसे लोगों को कामयाब देखते हुए, जब लोग जलते हैं तो वो जलन की बात हम नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह ताला हम लेकिन उस जलन की बात भी कभी कर लेंगे कभी आगे करेंगे, बाद उसकी भी करेंगे। में। लेकिन मेरे ख्याल में मैं चाहूँगा कि गैस जो है उसके हवाले से बहुत से सवाल अभी तक आ रहे हैं, तो कई मेरे ख्याल में एक पूरा प्रोग्राम शायद इस पर करें, और कुछ टॉपिक जो है, क्योंकि आज तो जनरली हमने हाँ जी, बात की थी, हाँ जी, लेकिन बहुत से इस पहलू पे, और माशाल्लाह आपका स्पेशलिज्म जो है वो काफ़ी काफ़ी एक्सपेंडेड है, उसमें बहुत से टॉपिक भी हैं, तो हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप किसी और दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने, इसमें तशरीफ़ लाएँ। मैं अपनी तरफ़ से, उम्मा चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस शाह से आप तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आपने तालीम हासिल की, 1991 से आप हाउस ऑफिसर के तौर पर, बरतानिया में आपका पहला जॉब था, 2004 से मेरे ख्याल में आप आप कंसल्ट वस्टर्शायर में जी एनएचएस में काम कर रहे हैं और कंसल्टेंट हैं, और माशाल्लाह 10 आपने पेपर जो हैं लिखे हैं, और आपकी जो काबिलियत है उसका अंदाज़ा आज जिस अदा से आपने हमारे साथ प्रोग्राम किए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से, उमा चैनल की तरफ से, और तमाम बहन भाइयों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये सब तेरा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। बात अब तक बनी हुई है, और इससे खूबसूरत मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और मेहमान, एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। अपना और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।